नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? आज दुनिया भर में विकास की बातें हो रही हैं और हम तरक्की भी कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि तरक्की के साथ साथ स्वास्थ्य की चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बच्चों की बात करें तो आज उनकी सेहत बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। रात को देर से सोना, सुबह देर तक जागना, सारा दिन भर कुछ ना खाना और रात को एक बार ही पेट भर के खा लेना, बहुत सी बातें हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, अब क्या क्या गिनाऊं आपको। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपसे इसी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगी बच्चों में मोटापे की समस्या के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से बच्चे बचपन में ही मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। बच्चों का लगातार बढ़ता वजन माता पिता के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज हमारे देश में एक चौथाई बच्चे और किशोर मोटापे का शिकार हैं। भारत में ही लगभग हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रस्त है। मोटापा वो स्थिति है जब शरीर पर अत्यधिक शारीरिक वसा एकत्रित हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा होता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या आदि। मोटापा कई सारी समस्याओं को पैदा कर सकता है। मोटापा शरीर के हर हिस्से पर असर डाल सकता है, उससे हृदय पे, किडनी पे, लिवर पे, जोड़ों पे, हड्डियों पे, हर चीज़ पे असर पड़ सकता है और इससे कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे अधिक रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों की आर्थराइटिस, कमर दर्द, इन सब चीज़ों को मोटापे की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कम उम्र में ही बढ़ता वजन बहुत सी गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। इससे बच्चे के विकास, दिल, किडनी, घुटनों और अन्य कई महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। मोटापा इंसान को उम्र से पहले मैच्योर भी दिखाता है। आजकल जो बच्चों में, छोटे बच्चों में भी मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी कई सारी वजह हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि आजकल बच्चे बाहर खेलने के बजाय कंप्यूटर गेम्स, टीवी या घर में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसके साथ घर का खाना खाने के बजाय फास्ट फूड, हाई शुगर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, इन सब का सेवन बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर मोटापे से वो कम उम्र में ग्रस्त हो जाएंगे तो उनमें मोटापे से होने वाली बीमारियां या होने वाली दिक्कतें जल्दी पैदा हो जाएंगी, जिससे उनके आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कत हो सकती है और उनका लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। मोटापा शारीरिक और मानसिक स्तर पर जीवन में कई सारे परिवर्तन तो लाता ही है। कई बार अधिक वजन आपको शर्मिंदा भी कर सकता है, जिनके कारण व्यक्ति में इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, किंतु कई बार लोग इन्हें महत्व नहीं देते। यदि लक्षणों की बात करें तो बार बार सांस फूलने की समस्या, बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के लगातार थकान का अनुभव करना, पीठ और जोड़ों के दर्द की समस्या का होना, बार बार पसीना आना, इसके अलावा मोटापे से बेहाल लोगों को नींद में बहुत खर्राटे लेते भी देखा जा सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं, मसल्स उत्तकों का निर्माण कम हो जाता है, शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतें बदल जाती हैं और शरीर में उन आहारों को प्रोसेस करने के तरीकों में भी बदलाव आ जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट आसानी से प्रोसेस नहीं होता, मेटाबॉलिक रेट भी तेजी से कम होने लगता है, जिसके कारण शरीर मोटा होने लगता है। मोटापे के का सबसे शुरुआती लक्षण होता है वजन का बढ़ना और ये धीरे धीरे बढ़ता है और इससे
ये होता इसके बाद ये व्यक्ति को जल्दी ही थकावट होने लगती है, थोड़ा सा काम करने पे थकावट होने लगती है या सांस फूलने लगता है, ज़्यादा कुछ काम करने की या व्यायाम या एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। जिस तरह से वज़न बढ़ता जाता है धीरे धीरे एक्टिविटी और कम होती जाती है, तो सबसे शुरुआती लक्षण है वज़न का बढ़ना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूल, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। दोस्तों, उम्र के इस तीसरे दशक में वजन बढ़ना आम सी समस्या बन जाती है, लेकिन इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है और हाँ, इससे पूरी तरह से छुटकारा भी पाया जा सकता है। 30 उम्र का तीसरा दशक किसी व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। इसी दौरान वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, लेकिन इन सब के साथ ही इस दौरान उसे एक और बदलाव से गुजरना पड़ता है और वो है वजन का बढ़ना। 30 की उम्र के बाद हर साल व्यक्ति की औसतन आधा पाउंड करीब 225 ग्राम मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं और साथ ही प्रति वर्ष उसका करीब 1 पाउंड यानी करीब 450 ग्राम वजन बढ़ जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे वेट ट्रेनिंग के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने की उनकी अब उम्र नहीं रही, लेकिन ये सच नहीं है। वेट ट्रेनिंग 30 की उम्र के बाद भी की जा सकती है। वेट ट्रेनिंग करने से मांसपेशियों के मरने की गति धीमी हो जाती है। इस तरह का व्यायाम करने से न केवल आप स्वयं को फिट बनाए रख सकते हैं, साथ ही अपनी मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की संरचना में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक, शरीर में जो मांसपेशियां मसल मास जिसे कहते हैं वो कम होने लगता है, जो वसा या फैट मास होता है वो उम्र के साथ साथ बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से भी मोटापा उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगता है। दूसरी बात ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है 30-35 साल की उम्र में, उस समय लोग जो हैं अपने काम में, व्यवसाय में, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खान पान होता है या फिज़िकल एक्टिविटी वो सब होता है उस पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि वो सब खान पान में बहुत फेरबदल होता है। पोषक चीज़ें जो होती हैं वो कम खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी वो इतने बिजी होने की वजह से बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये एक समय होता है जिस समय वो मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। पुरुषों में वजन का बढ़ना केवल शरीर में होने वाले हार्मोन्स के असंतुलन से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। वेट ट्रेनिंग जो है उसमें एक अलग किस्म का फायदा होता है। तो वेट ट्रेनिंग से ये होता है कि आपका मसल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बढ़ जाते हैं। मसल का जो मास होता है और मसल जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे मोटापे में कुछ हद तक कमी की जा सकती है। मगर फिज़िकल एक्टिविटी में मेनली ये होता है कि एरोबिक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जैसे तेज़ चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग,
ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे मोटापा कम करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। मगर वेट ट्रेनिंग वो भी ये ज़रूरी है, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज हर उम्र के लोग नहीं कर सकते हैं, या हर कोई जिसको वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कमर दर्द की है, तो वो लोग सारी एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मगर वेट ट्रेनिंग हर कोई कर सकता है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तमाम तरह के परहेज और डाइटिंग कर लेने के बावजूद वजन जस का तस रहता है। डाइटिंग करके खुद को सजा देने मात्र से वजन कम नहीं हो सकता है। अंडरवेट यानी कम वजन होने पर आपके पूरे शरीर की कार्यशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, याददाश्त कम होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। ओवरवेट होने की स्थिति में मोटापा, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। पुरुषों में और महिलाओं दोनों में वेट बढ़ने का एक कारण हो सकता है हार्मोन्स की दिक्कत। हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और ये जो दिक्कत है ये महिलाओं में अधिकतर हो पाई जाती है। जैसे सबसे आम होता है थायराइड की तकलीफ, जिसमें थायराइड कम काम करता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। महिलाओं में ख़ास तौर से एक और कारण होते हैं, जिससे काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं जो घर पे रहती हैं, और जिनमें जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तीसरी चीज़ ये है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के समय वज़न बढ़ता है, और गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद वो वजन कम नहीं होता है और वो मोटापे में तब्दील हो जाता है। दोस्तों देखिए, ज़्यादा वजन होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मोटे हो रहे हैं, बल्कि मोटापे का अर्थ है शरीर में अधिक चर्बी जमा होना। ज़्यादा वजन होने से इसका कोई संबंध नहीं है। दोनों शब्दों का अर्थ ये है कि व्यक्ति का वजन उसके कद और उसकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए। कई बार हम बिना जानकारी के ऐसे आहारों का सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से पेट में सूजन होती है। ये सूजन लीवर और दिल की गड़बड़ी के कारण भी हो सकती है। खाया पिया न पचना, कब्ज या गैस के कारण पेट फूला हुआ लगता है। यदि पेट में सूजन कम होगी तो तोंद अपने आप ही अंदर जाएगी। गौरतलब है कि अगर आपको कब्ज रहती है तो पेट में गैस बनी रहेगी, जिससे पेट फूला और टाइट रहता है। ये समस्या फाइबर और तरल पदार्थों की कमी की वजह से होती है। इसे दूर करने के लिए हरी सब्जियां, दालें, बीज और फल को शामिल करें। साथ ही दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। डाइटिंग करने से मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। मोटापे को काबू पाने के लिए जो डाइटिंग है या खान पान में बदलाव करना सबसे ज़रूरी है। बिना खान पान में बदलाव किए आप चाहें कि हमें कोई दवाई दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए और हमारा मोटापा कम हो जाए, वो कभी नहीं होने वाला। खान पान में बदलाव सबसे ज़रूरी है। पोषक तत्व लिए जाएं, जो हानिकारक चीज़ें हैं उनका सेवन सबसे कम किया जाए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी वो बढ़ाई जाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे DD किसान पर।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसमें समझने की जरूर कुछ बात है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे माता और शिशु दोनों की ही सेहत पर फर्क पड़ता है। लेकिन सामान्य से ज्यादा वजन बढ़ना खतरनाक हो सकता है। बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान मां के स्वास्थ्य और उसकी गतिविधियों का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर न केवल उस दौरान पड़ता है, बल्कि इसका असर बच्चे के ऊपर उम्र के किसी भी पड़ाव में पड़ सकता है। जी हाँ, मोटापा भी ऐसी समस्या है जो बच्चे के ऊपर होता है। बता दें कि प्रेगनेंसी में अगर महिला व्यायाम ना करे तो भविष्य में बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है। हम कहते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, और फिर आखिरी के 3 महीने में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन की जाँच कराएँ। बता दे कि गर्भवती महिला को सभी जरूरी पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन खाद्य पदार्थों से ही मिलते हैं, जिसकी पूर्ति 10% प्रोटीन से, 35% वसा यानी तेल, घी और मक्खन से तथा 55% कार्बोहाइड्रेट से आती है। ऐसी अवस्था में ज्यादा वसा और उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। गर्भ धारण करने के साथ ही आपको ये देखना है कि आपका भोजन जो है, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, नियमित रूप से भोजन करें। अगर महिला, हमारे गांव में भी हमने देखा है कि हुक्का पीती हैं महिला, स्मोकिंग करती हैं, बीड़ी पीती हैं। हुक्का, बीड़ी, स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। शराब जैसी चीज़ भी पीते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। कम से कम 10 घंटे हर गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए, 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। गर्भधारण करने के बाद महिला का वजन सामान्यतया 8 से 15 किलो बढ़ता है, जिसमें बच्चे का वजन लगभग 3 किलो तक ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का वजन 90 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में स्वस्थ बच्चे के जन्म लेने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और माँ की जो है मृत्यु ना हो, माँ को बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नियमित रूप से चेकअप करवाएं, कोई बीमारी हो उसकी जांच करवाएं, उसको ठीक करवाएं, उसका इलाज हो, और बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं ये देखें। यदि बासी खाने की बात करें तो बासी खाने में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसे खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, इससे हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम्स आदि होती है। इसलिए हमेशा ताजा खाना ही खाएं। इसके अलावा सीजनल सब्जियों और ताजे फल व सब्जियों का सेवन करने से मोटापे की समस्या नहीं होती है। बीन्स, गाजर, पालक, प्याज, टमाटर आदि को अपने खाने में शामिल कीजिए। सेब, संतरा जैसे फलों का सेवन नियमित रूप से कीजिए। इसीलिए खाने से पहले सलाद खाएं, इससे मोटापे की समस्या नहीं होती। सलाद खाने से आपके अंदर अतिरिक्त कैलोरी नहीं जाती, शरीर को सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। ये पेट तो भरता ही है, ज्यादा खाना खाने से भी बचाता है। इसके अलावा पानी खूब पिए और जरूरत के हिसाब से प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे दाल, नट्स और सीड्स को खाने में शामिल करना ना भूलें। बासी खाना खाने से आपको कई तरह की दिक्कत हो सकती है, या उसमें अगर खाना बासी है तो उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपका पेट फूलना या गैस होना, इस तरह की तकलीफ़ हो सकती है, जिससे आपको महसूस हो सकता है कि आपका पेट बढ़ गया है। मगर बासी खाना खाने से अच्छा है कि आप पोषक खाना लीजिए,
ताज़ा पोषक खाना लीजिए जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। खाने पर ध्यान देने के अलावा नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से मोटापा बढ़ेगा नहीं और आपका शरीर फिट भी रहेगा। व्यायाम करने से दिल और हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्तचाप नियंत्रण में रहता है और बीमारियां नहीं होती। इसीलिए सुबह सुबह व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलें। वजन नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलें वजन नियंत्रित करने उस ओर जहां है योग। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं, सांस को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दे, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो सांस अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें, सांस फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं, लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपाल भांति का अभ्यास कर लें। वातक्रम कपाल भांति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं। ऐसे जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। आज की जानकारी दोस्तों, अब वो समय गया जब आप कुछ भी खाकर अपने पुराने कपड़ों में फिट हो जाया करते थे। उस समय आपका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है और आपका जीवन जीने का अंदाज भी बदल चुका है, इसलिए अब आपको भी बदलना ही होगा, है ना। अब चलती हूं लेकिन एक प्रॉमिस के साथ, फिर मिलकर पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए। नमस्कार।